राजी कॉलेज के गार्ड अंकल्स हैं। अंकल, यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है कॉलेज को एंटर करने के लिए? आईडी चाहिए और क्या? बताना पड़ेगा। हाँ, यहाँ ड्यूटी करते हैं। आप बताइए डिसिप्लिन को लेकर। ठीक है, बता देंगे ना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्वा एंड अगर आप रांची के मोरबाद स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, साथ ही साथ जानना चाहते हैं कि कॉलेज कैसा दिखता है, कैंपस कैसा दिखता है, क्लासेस कहाँ होते हैं, क्लासेस कैसे हैं, रूल्स क्या हैं, कॉलेज के फैसिलिटीज क्या हैं और भी बहुत सारी बातें, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेकिन सबसे पहले तो मेरे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो। तो ये आपके कॉलेज का मेन एंट्री गेट है जहाँ से आपको कॉलेज के अंदर एंटर करना है। वैसे आपका दो और भी एंट्री गेट है जहाँ से आप कॉलेज में एंटर कर सकते हो। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेने पे आपको कुछ गार्ड अंकल्स मिलेंगे जो अक्सरता ही आपको आपके यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड के लिए टोका करेंगे। देन ये ग्राउंड है जिसमें आपको एनसीसी के बच्चे मिलेंगे और यहाँ पर उनकी एनसीसी की ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है। फिर ये सफाई देखकर याद आया कि आपके कॉलेज में एनसीसी के साथ साथ एनएसएस की भी फैसिलिटी उपलब्ध है, यानी कि आप एनसीसी और एनएसएस दोनों ज्वाइन कर सकते हो। एनसीसी और एनएसएस से आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो अगर आप इन फ्यूचर चाहो तो, अगर आप कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो या फिर सिविल सर्विसेज का कुछ एग्ज़ाम देते हो तो आपके लिए ये सारी सर्टिफिकेट्स काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। देन अब हम यहाँ से ऊपर चलेंगे, आगे जाएंगे। आगे जाकर आपको ये एक हॉल दिखाई देगा। अब यहाँ से थोड़ा लेफ्ट लेकर आगे जाने पे आपको आपका वाइस चांसलर का ऑफिस मिलेगा। तो हम यहाँ से स्ट्रेट आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका कुल सचिव का ऑफिस एंड देन इधर आपके वित्त पदाधिकारी का ऑफिस, और यहीं से मात्र 5 कदम आगे चलकर आपका कुलपति का ऑफिस मिलेगा, यानी कि आपके वाइस चांसलर का ऑफिस जो कि है डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा। सो दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ हिज ऑफिस एंड यहां से थोड़ा 2 कदम आगे चलकर राइट टर्न लेने पर ये आपका है जैकब हॉल। यहां पर मीटिंग्स वगैरह हेल्ड होते हैं। तो फिलहाल अभी हम ग्राउंड फ्लोर से ही आपके सारे डिपार्टमेंटल क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स वगैरह आपका ग्राउंड फ्लोर पे है। आपका एनएसएस का ऑफिस और आपका योगा क्लासेस वगैरह का जो ऑफिस है वो भी आपका ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल जाएगा। सो दिस इज द व्यू ऑफ योर ग्राउंड फ्लोर ऑफ योर कॉरिडोर। ये रहा आपका एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम। ये आपका बीएड का एरिया है। बीएड से क्रॉस करते हुए जब आप बाहर आओगे और थोड़ा सा लेफ्ट लोगे और स्ट्रेट आगे बढ़ोगे तो आपको आपके कॉलेज का बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा। यहीं पे आपका जो भी फ्रेशर फेयरवेल होता है, यानी कि जो भी रॉक्सो वगैरह डांस होता है, वो यहीं पे हेल्ड होता है। एंड आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स क्लब भी है, सारे टाइप्स ऑफ जो भी खेल्स हैं जैसे कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट वगैरह, तो वो सब आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर नोटिस आता है, उसमें आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आप यूनिवर्सिटी लेवल के लिए खेलते हो। देन दिस इज़ द व्यू ऑफ योर कैंपस। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़कर इधर आपका स्टूडेंट यूनियन है और इधर आप जब लेफ्ट टर्न लोगे तो आपका इधर कैंटीन है, कॉलेज कैंटीन जो अभी रिसेंटली न्यू बना है। दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ योर कैंटीन। देन यहाँ से अब राइट टर्न लेने पे ये आपका स्टूडेंट यूनियन का उधर ऑफिस है। आपके यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन है और हर साल इसका इलेक्शन होता है जिसमें एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है एंड वोटर्स होते हैं आप लोग, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स।
देन अगेन वी आर बैक टू द ग्राउंड फ्लोर। ये आपके पार्किंग एरिया का लुक है। पार्किंग एरिया आपके कॉलेज में फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये आपका क्लास है, दिस इज द व्यू ऑफ योर क्लास। दिस आर द डेस्क। ओके, सो अब हम क्लास से बाहर निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्रॉस करते हुए, लेक्चर हॉल क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे। आगे जाकर राइट टर्न लेंगे तो ये आपका यहाँ पर बैडमिंटन ग्राउंड है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैडमिंटन खेलते हुए पाए जाते हैं। देन ये आप यहाँ से जब लेफ्ट टर्न लोगे, जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ BBA है। तो चलिए आपका BBA और MBA के क्लासेस कैसे होते हैं आपको दिखाते हैं। ये आपका ऑफिस है, डिपार्टमेंटल ऑफिस, और यहां पर MBA के क्लासेस होने वाले हैं फिलहाल। ओके, सो लेट अस नॉट डिस्टर्ब देम, जस्ट गेट आउट। यहां से फिर अब हम स्ट्रेट ऊपर बढ़ेंगे तो इधर भी आपका MBA और BBA का क्लासेस होता है। आपके क्लासेस शिफ्ट में रन करते हैं। अब यहाँ से हम ऊपर आएंगे आपके फर्स्ट फ्लोर की ओर। उसके बाद बात करें आपके यूनिफॉर्म की, तो BSc में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट का देखा गया है कि उनका शर्ट का कलर पिंक होता है एंड पैंट का कलर ब्लैक होता है। एंड BA में उनका शर्ट का कलर स्काई ब्लू होता है विथ चेक शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स। एंड BCom में भी ब्लैक पैंट है और ब्लू शर्ट है। देन MassCom का ग्रे पैंट है। बाकी आपका जो भी डिपार्टमेंट हो, आप अपने डिपार्टमेंट से कंफर्म कर लीजिएगा आपके यूनिफॉर्म का कलर। देन ये आपका कंप्यूटर लैब है जिसमें मैं बिना परमिशन के घुस गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। ये यहाँ पे आपका सेकेंड कंप्यूटर लैब है। ओके, सो दैट गाय इज वेविंग। एंड बात करें आपके कॉलेज के मोर फैसिलिटीज़ की, तो NCC NSS के साथ साथ आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स क्लब है। आपके कॉलेज में फ्रेशर्स एंड फेयरवेल करवाए जाते हैं। आपके कॉलेज में एक बड़ा ही सुंदर सा ऑडिटोरियम भी है। इसके साथ ही आपका एक सेंट्रल लाइब्रेरी है और साथ ही साथ सारे डिपार्टमेंट्स का अपना अपना इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, जहाँ आप अपना जाकर लाइब्रेरी कार्ड बनवा सकते हो और अपना बुक इशू करवा सकते हो। तो चलिए फिलहाल मैं आपको आपके रांची कॉलेज के ही, यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के एक स्टूडेंट से मिलवाती हूँ और जानते हैं उनसे कॉलेज के बारे में कुछ और बातें। हेलो गाइस, माय नेम इज अमनजीत मेहता और मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी रांची। तो जैसे कि हमारी मित्र जो हैं बहुत ही अच्छी यूट्यूबर हैं, आज ब्लॉग करते करते हमारी कॉलेज पहुंची और अच्छा ब्लॉग हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो बच्चे आएंगे उनके लिए सबसे पहला है कि चांसलर पोर्टल में आप अप्लाई करें, वहाँ से फॉर्म भरें, लिस्ट निकलेगा, जो बच्चे प्रथम आएंगे द्वितीय आएंगे जो लिस्ट आएगा उसी हिसाब से आपको एडमिशन यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर कम से कम 20 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है और हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग HOD, जो पॉलिसी है यूनिवर्सिटी का UGC गाइडलाइन के तहत चलती है वो आपका है ही। उसके बाद आप इधर देख रहे हैं कैंपस हम लोग का सुंदर है, किसी को डिस्टर्बेंस कैंपस में नहीं होता है, डिसिप्लिन पूरा है, बिना ड्रेस आपको आना ही नहीं है, ID नहीं रहेगा, वापस जा सकते जैसे इनका JVS में है। और यहाँ पे आपको जैसे कि इन्होंने पूछा था हॉस्टल के लिए अप्लाई, तो वो भी ऑनलाइन, जब सीट खाली होते हैं ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको वहाँ पर सीधा मिल जाता है। और जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर क्रिकेट 90% स्पोर्ट्स होते हैं, इन लोग बास्केटबॉल बैडमिंटन जो जो गेम्स है, जहाँ जहाँ इंडोर के लिए इंडोर फैसिलिटी है, आउटडोर के लिए आउटडोर फैसिलिटी है। यूनिवर्सिटी टीम हर साल जाती है, खेल के आती है और हर साल फेस्ट होता है, मतलब जितना प्रोग्राम होता है जिस तरीके का जो होना चाहिए यूथ को लेके वो हमेशा होता है। एनी क्वेश्चन मैम? और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो यहाँ कॉलेज में आकर
किसी से कुछ पूछना हो तो ये सबका डिपार्टमेंट कोई सीनियर किससे हेल्प लिया जाए वगैरह? तो आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे कि जब एडमिशन के प्रोसेस चलते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी होता है, जो हाईली इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स है वो आके यहाँ पे, जिस तरह के आप JNU में होता है इस तरह यहाँ श्याम प्रसाद यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है, छात्र संघ का चुनाव होता है जो निर्वाचित होते हैं, और सभी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर रहते हैं गेट पे जब एडमिशन चलता है। एडमिशन जब चलता है तभी आदमी को नहीं पता हो तो बहुत हेल्प करते हैं, सारे को बताते हैं, सारे को बाकायदा जो हेल्प अपने से हो सकता है वो करते हैं, चाहे टीचर्स के पास ले जाना हो, प्रोफेसर्स के पास ले जाना हो, मैनेजमेंट स्टाफ, फीस प्रॉब्लम, स्कॉलरशिप, सबको सॉल्व आउट करके आपको देते हैं। ओके, सो थैंक यू अमन। एंड इसके बाद स्टेयर से होते हुए अगेन मैं आपके सेकंड फ्लोर की ओर जाऊंगी। सेकंड फ्लोर पे अभी आके आपका कुछ डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी हो गया, आपका IT डिपार्टमेंट है, एंड देन आपका सेकंड फ्लोर पे ही कुछ ट्राइबल्स के भी डिपार्टमेंट है। ये आपका स्मार्ट क्लास है। ट्राइबल्स डिपार्टमेंट में आपका डिपार्टमेंट ऑफ नागपुरी है, डिपार्टमेंट ऑफ कुरुक है, इसमें आपका लैंग्वेज वगैरह पे पढ़ाई होता है। देन इधर आपका डिपार्टमेंट ऑफ सांथाली है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ खोरथा है, एंड इधर क्लासेस होते हैं आई गेस, ये आपका क्लास है। सेकंड फ्लोर से आपका जो रूफ है कॉलेज का उसकी ओर जाता है, तो आप अलाउड हो अपने रूफ पर आकर बैठ सकते हो, घूम सकते हो, नोट्स वगैरह बना सकते हो, एंड दिस व्यू इज़ ब्यूटिफुल एंड द व्यू फ्रॉम द रूफ इज़ मोर ब्यूटिफुल। ओके, सो यहाँ पे अब यहाँ से मैं नीचे आऊँगी और ये आपका थर्ड एंट्री गेट से मैं एग्जिट कर रही हूँ। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट, आपको कॉलेज कैसा लगा, कैंपस कैसा लगा। ओके, सो थैंक यू।